We have discussed the Kirchhoff's law, right? इसका एक क्वेश्चन किया था, एक होमवर्क दिया था, बना जो होमवर्क दिया था, एक आया था, मतलब तो फिर तो बाकी आ जाएंगे। तीनों लूप में लगा दो Kirchhoff's law, दो वो छोटे वाले, एक वो वहां वाला ट्रायंगल, तो तीन फॉर्म में इक्वेशन बनेंगे आई वन आई टू और आई थ्री। तीसरे इक्वेशन में से आई थ्री निकालो आई वन और आई टू के फॉर्म में, उसको दूसरे में पुट करो, फिर दूसरे इक्वेशन में से आई टू निकालो आई वन के फॉर्म में, उसको पहले में पुट करो। हाँ एलिमिनेशन ही कहते हैं उसको, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लो, हो जाएगा। करवा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके पहले हेडिंग डालो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। स्टोन ब्रिज समझते हैं क्या, बहुत सिंपल है, राइट। ये ऐसे चार रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में हमने चार रेसिस्टर्स को क्या किया है, कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेसिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटर, जिसमें आपको तीन रेसिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन रहती है और एक अननोन रेसिस्टर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है, राइट। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेसिस्टर्स इन द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, सो दैट द थ्री ऑफ द वैल्यूज ऑफ द रेसिस्टर्स आर गिवन और जो चौथी बची वो आपको क्या करनी है, निकालनी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। पी और क्यू को कहते हैं स्टैंडर्ड आर्म्स, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड आर्म्स, मतलब ये कौन से रेसिस्टर्स है, स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स, ये ऑलरेडी आपको क्या है गिवन, राइट। आर इज कॉल्ड द वेरिएबल आर्म, ये क्या कहलाता है, वेरिएबल आर्म। देखो हमने एरो लगाया, मतलब यहां पे आपने वेरिएबल रेसिस्टेंस पुट किया या फिर कह लो रियोस्टेट पुट किया। एस इज कॉल्ड द अननोन आर्म, इसको जिसको आपको कैलकुलेट करना है, क्या कहलाता है ये, अननोन आर्म, राइट। यहां आपने बैटरी लगाई है, दिस इज द की, ठीक। दिस इज अ सेटअप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, तो टर्मिनल ए और सी के बीच में क्या लगी हुई है, बैटरी। टर्मिनल बी और डी के बीच में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। क्यों लगाया, क्या हुआ, अभी सब समझ में आ जाएगा, राइट। बेसिक ये है कि चार रेसिस्टर्स इस तरीके से अरेंज है, उन चार में से आपको तीन की वैल्यूज पता है, एक की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे ही की क्या होगी, क्लोज, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, यहां से क्या फ्लो होना शुरू होगा, करंट, ठीक। नाउ दिस करंट यहां आके दो टर्मिनल्स में डिवाइड हो जाएगा, आई वन आई टू, राइट। ये आई वन यहां जाएगा, फिर यहां पे दो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। मान लो जो गैल्वेनोमीटर या इस बीडी आर्म में से करंट जा रहा है वो कितना, आई, का नाम क्या है, आई, करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। तो
I1 का अगर IG पार्ट इसमें से चला गया तो बचा हुआ किसमें से जाएगा? इसमें से, मतलब इस आर्म में से करंट कितना जाएगा श्रेयांश? I1 माइनस IG जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखो यहां I करंट क्या, ये दो भागों में बट गया, I1 एंड I2। I1 करंट ऊपर जाके फिर दो टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लो इसमें से जो करंट जा रहा है उसका नाम मैंने क्या दिया है, IG, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो इसमें से IG जा रहा है तो बचा हुआ किसमें से जाएगा, इस सामने से। कितना I1 का IG इसमें चला गया तो I1 माइनस IG किसमें जाएगा, राइट। अब देखो ये IG और ये I2 यहां तक आ रहे हैं तो इस आर्म में से कितना करंट जाएगा, I2 प्लस IG जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और I2 प्लस IG इसमें से जा रहा है, I1 माइनस IG इसमें से जा रहा है तो वापस यहां से कितना करंट आएगा, I1 प्लस I2, बिकॉज ये इसमें से गया, ये इसमें से, दोनों को क्या कर दिया जाए, एड। तो ये है I1 माइनस IG और ये है I2 प्लस IG, IG से IG कैंसल, बचा I1 प्लस I2। तो देखो जो आपने I करंट दिया था वही I करंट यहां से क्या आ गया, वापस, बिकॉज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो जो I करंट दिया वो I करंट वापस, मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम सब ने इसमें क्या किया है, सही से। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम सब ने इसमें क्या किया है, सही से किया। फिर से समझो, I करंट हो, इट इज डिवाइडेड इन टू आर्म्स, I1 एंड I2। आई कैन से I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये I1 ऊपर जाके फिर से दो आर्म्स में डिवाइड हो गया। मैंने कहा जो गैल्वेनोमीटर में से करंट गया है वो करंट क्या है, IG है, तो बचा हुआ करंट इसमें से जाएगा जो कितना है, I1 माइनस IG, राइट। इसमें से I1 माइनस IG जा रहा है, ये IG यहां नीचे आया और ये I2 यहां से, दोनों मिलके इस वाले आर्म में से जाएंगे तो I2 प्लस IG इसमें से जाएगा। अब I2 प्लस IG इसमें से जा रहा है, I1 माइनस IG इसमें से जा रहा है तो इसमें से कितना जाएगा, इन दोनों का सम, मतलब I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके इक्वल था, I, तो I दिया I वापस। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सही। ऑनलाइन में सारे बच्चे को राइट, दिस इज द केस, फाइन। ये कब की कंडीशन है, जब आपकी की क्या है, क्लोज। अब देखो क्या होता है, अब होता ये है कि आपके इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, राइट। गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। अगर यहां से करंट फ्लो हो रहा है तो योर गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन, बिकॉज गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ करंट, राइट। ये जो आर है ये वेरिएबल रेसिस्टेंस, कैसा है, वेरिएबल। इसको आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। आप R को इस तरीके से एडजस्ट करो कि आपका गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करने लगे, समझना। R की वैल्यू इस तरीके से चेंज करो, वेरिएबल रेसिस्टेंस है ना, तो आप चेंज कर सकते हो। आप इस तरीके से इस R की वैल्यू घटाओ या बढ़ाओ कि जो इस आर्म में से करंट जा रहा है वो क्या हो जाए, जीरो। मतलब गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो करे, नल, अपने पॉइंट पर है। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, मैंने आर की वैल्यू चेंज करना चालू, एक वैल्यू ऐसी डालेंगे आर की कि आपका गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इन दिस फॉर्म वी कैन से द ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्या कहते हैं इस कंडीशन को, ब्रिज इज बैलेंस्ड। इफ द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग द नल डिफ्लेक्शन, it means there is no current in the arm BD, right? It means current through the galvanometer is zero. This case is called the bridge is balanced. इस केस में आपका ब्रिज क्या है, balanced, balanced, right? Now see, इसका मतलब एक और चीज है, अगर इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दूसरे तरीके से यह कहा जाए कि B और D पर पोटेंशियल क्या है, सेम,
बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तभी तो करंट नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट होता। V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर तो है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस मान लो कितना है जी, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है जी, तो आर तो है बट यहां पे क्या नहीं है, वी नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज जीरो। दैट्स व्हाई अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है इसका मतलब क्या है, उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं। दिस कंडीशन इज द ब्रिज इज बैलेंस्ड, राइट। नाउ इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड देन पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। जब आपका ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा और बीच वाली आर्म में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो आपकी कंडीशन ये मिलेगी कि P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। हम इसको प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, यहां से आप, आपको पता पड़ गया कि P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S है तो आप यहां से S निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको P और Q की वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड आर्म्स, R आपने खुद सेट किया है तो यू ऑलरेडी नो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ S, राइट। सो व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड P upon Q is equals to R upon S, right? This is the condition of Wheatstone bridge. Is there any doubt? No. Let's see the proof. देखें. Kirchhoff's law से proof करें. किसे करेंगे? Kirchhoff's law. एक loop ये ले लो और दूसरा loop ये ले, right? N लूप ए बी डी ए लगाओ, किरचॉफ्स लॉ। इस वाले लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाओ, सार्थक इस वाले लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाओ, माइनस आई वन पी माइनस आई टू आर, प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस आई वन पी आएगा, नहीं प्लस आई वन पी आएगा, प्लस आई वन पी आएगा, इस डायरेक्शन में लूप घूम रहा है ना ऐसे, तो प्लस आई वन पी और लूप घूम के यहां उल्टा हो गया तो माइनस आई टू आर। और देखो IG का डायरेक्शन ये है और इस आर्म में रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल G। ऐसे फॉर्म में नहीं बना लेकिन है, तो गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है जिसको मैंने क्या माना है, कैपिटल G। यहां से करंट कितना जा रहा है, IG। आई कैन से IG G इज इक्वल्स टू, ठीक है, दूसरे लूप में लगाओ, N लूप B C D B, घुमाओ आई वन आई, इस तरीके से घुमा, यहां से शुरू किया घुमाना, कहां से, इस वाले रेसिस्टेंस से, तो हो जाएगा प्लस आई वन माइनस आई जी क्यू, आई वन माइनस आई जी क्यू, राइट। और घुमा तो यहां पे तो उल्टा हो गया, तो माइनस आई टू प्लस आई जी एस, राइट। और ये घूम के ऐसा उल्टा यहां भी आ रहा है तो माइनस आई जी, कोई बैटरी है क्या, नहीं जी, राइट। नाउ अगर आपकी कंडीशन है इफ करंट थ्रू द आर्म बीडी इज जीरो, मतलब इफ आई जी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो गया, क्या बचा, I1 P is equals to I2 R, इक्वेशन नंबर वन हो गया, क्यों हो गया। यहां पे देखो F IG is equals to zero, अगर करंट क्या है आपने जीरो है तो फिर से देखो IG जीरो हुआ तो क्या बचा I1 into Q,
ये तो जीरो आ गया, तो आई वन इंटू क्यू, यहां पे बचा माइनस आई टू इंटू एस, और ये भी गया, तो लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू आई टू इंटू एस, इक्वेशन नंबर दोनों को डिवाइड कर दो, वन डिवाइडेड बाय टू करोगे डिवाइड, तो आई वन पी अपॉन आई वन क्यू, आई वन से आई वन कैंसिल, क्या बचा पी अपॉन इज इक्वल्स टू आर अपॉन, हो गया प्रूफ। इससे किरचॉफ्स लॉ से, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसकी एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, जो आपका प्रैक्टिकल नंबर फाइव है, आपको लैब में देखने मिले। दूसरी एप्लीकेशन, हाँ भैया, यहाँ पे आपने पहले आई वन को बांट दिया है, ऐसे ही आई टू को पहले बांट सकते हैं ना, मतलब आई टू कह रही हो यहाँ पे आप, हाँ इसको, हाँ हाँ इसको भी बांट सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से कर लो आई टू को डिवाइड कर लो, यहाँ पे आई जी जाएगा तो कोई नहीं, साइन चेंज होगा, आंसर यही आएगा, नीचे से कर लो ऊपर से कर लो, कहीं से भी कर सकते हो अमृता, क्लियर। हाँ उसमें करंट नहीं जाएगा, जैसे रियल स्टेट की वैल्यू कुछ भी मैनेज कर लेंगे तो बी सी और बीसी और पीडी कनेक्टेड, हाँ आई बी, तो जैसे बीसी में जा रहा हूँ पीडी में नहीं जा रहा, हाँ कैसे, क्यों नहीं हो सकता, मान लो आप आर की वैल्यू इस तरीके से मैनेज कर रहे हो कि पोटेंशियल बी और डी पे सेम बना दिया, तो अगर पोटेंशियल दोनों टर्मिनल्स पे सेम हो जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा, बी डी से नहीं जाएगा, पूरा का पूरा करंट जो आई वन आया वो उसमें से ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, और इसका सर्किट में ना होने से सर्किट ब्रेक थोड़ी हो जाएगा, सर्किट तो फिर भी कंप्लीट रहेगा, तुम खुद देखो यहां पे कनेक्टिविटी है सर्किट की, यहां पे कनेक्टिविटी है सर्किट, सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा, और अंटिल अनलेस सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा मतलब कि आपका सर्किट क्या है, कंप्लीट है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है दुर्गेश किसमें से करंट जाए, राइट, बिकॉज आपने पोटेंशियल बी और डी पे क्या कर दिया से लिखिए भैया, हाँ भैया आपको डाउट समझ में आया, अचानक से लेफ्ट हो गए थे, अच्छा लेफ्ट हो गए थे, तुमने कहा था कि आई टू में से जाएगा करंट तो ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, ये कह रही हो, हाँ यही, हाँ तुम बिल्कुल कर सकती हो, आई वन को डिवाइड ना करके आई टू को डिवाइड कर दो, तो यहां से चला जाएगा आई जी और यहां से चला जाएगा आई टू माइनस आई जी, कोई दिक्कत नहीं, फिर यहां से आई जी जा रहा है, यहां से आई वन जा रहा है, तो इस आर्म में से कितना जाएगा आई वन प्लस आई जी, तो आई वन प्लस आई जी और आई टू माइनस आई जी करोगे तो भी आई वन प्लस आई टू ही मिलेगा, हाँ भैया, तो कोई इशू नहीं, कर सकते हो, लिखिए द अरेंजमेंट ऑफ डायग्राम, बना लिया, बना लो, हाँ करंट के डायरेक्शंस लिख लो डायग्राम में, बंद
लिखिए। द अरेंजमेंट ऑफ फोर रेसिस्टर्स, फोर रेसिस्टर्स यूज्ड टू फाइंड, यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज रेसिस्टर्स, वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज रेसिस्टर्स क्विकली, क्विकली एंड एक्यूरेटली, एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग थ्री रेसिस्टर्स, इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग थ्री रेसिस्टर्स इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज लाइन चेंज रेसिस्टर्स पी क्यू आर एंड एस, रेसिस्टर्स पी क्यू आर एंड एस आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड to form the arms of, connected to form the arms of quadrilateral ABCD, arms of quadrilateral ABCD the battery is connected, the battery is connected between the terminal, between the terminals A and C, A and C, while the galvanometer, while the galvanometer is connected between the terminals B and D, B and D line change, para change P and Q are known as, P and Q are known as standard arms, standard arms. R is known as, variable arm, R is known as variable arm, line change. S is known as unknown arm, S is known as unknown arms. Line change, para change.
द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड. द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड when the galvanometer shows no deflection full stop. It means the potential at B and D, it means the potential at B and D are equal, and hence, no current flows through the galvanometer, and hence no current flows through the galvanometer. Line change. In this condition, फिर से लाइन चेंज. P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S. ब्रैकेट. साइड हेडिंग प्रूफ. प्रूफ लिखिए. इफ इफ कैपिटल जी इज द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी इज द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड IG is the current flowing through it. IG is the current flowing through it. Line change. लिख लो पूरा. इन लूप ए बी डी ए, और उसके बाद इन लूप बी सी डी डी. जहां पे लिखोगे इन लूप ए बी डी ए, वहां ब्रैकेट में लिख लेना यूजिंग किरचॉफ्स लॉ. यूजिंग किरचॉफ्स लॉ. यहां तक लिख लो. कल कितनी तारीख हो गई? चार.
यहां तक लिखने के बाद डिवाइड इक्वेशन वन फ्रॉम टू. डिवाइड इक्वेशन वन फ्रॉम टू. लिख लो फाइनल स्टेप. हो गया, चैप्टर खत्म होता है यहां पे. बाय नहीं क्वेश्चन. इसके बाद स्टेट बोर्ड वालों के लिए रह गया है मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, राइट. वो आपको करवा दिया जाएगा, या तो कल ही क्लास लगेगी 2 घंटे की, बाकी इन लोगों की नहीं रहेगी, या फिर देखते हैं ना. जिन जिन को सीबीएसई वालों को पढ़ना हो, व्हीटस्टोन ब्रिज ये चैप्टर खत्म किया, 15 से 14 जो क्वेश्चंस करने हैं. सीबीएसई वालों को ये प्रैक्टिकल है मीटर ब्रिज और पोटेंशियो. पता नहीं साइंटिस्ट का नाम था व्हीटस्टोन जिनके नाम पे दिया. लिखिए फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट. फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन ए एंड बी, व्हेन ए एंड बी आर एट सेम पोटेंशियल.
find equivalent resistance of the circuit when A and B are at same potential. निकालिए इन सबकी वैल्यू आर है। हाँ, सबकी हर रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है? आर। हर एक रेसिस्टेंस की वैल्यू आर 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 आर। ये टर्मिनल्स पे बैटरी लगती है। कितना आ रहा ऊपर वाले का? आर। सबका आर आ रहा है? देखो कैसे आएगा, इसको ऐसा पकड़ के अगर खींच दो, क्या करो खींच दो, तो ये खींचेगा तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं? ये जो है ये बीच में ऐसा सीधा हो जाएगा, है ना, और ये दोनों ऐसे साइड लग जाएंगे, राइट। इस टर्मिनल पे एक बैटरी है और दूसरा इस टर्मिनल पे, राइट। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा ना। और कह रहा है अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में इस पे और इस पे पोटेंशियल क्या है? सेम। यहां और यहां पोटेंशियल क्या है? सेम। अगर यहां और यहां पोटेंशियल सेम है, मतलब इस बीच वाली आर्म में से कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं। मतलब ये वाला रेसिस्टेंस सर्किट में है क्या? अब देखो ऊपर के आर और आर का है सीरीज में, और नीचे के आर और आर का है सीरीज में। तो ऊपर के आर और आर सीरीज में, तो एक सिंगल बन गया कितना? 2R। और नीचे के आर और आर सीरीज में, तो एक सिंगल फिर बन गया कितना? 2R। और ये 2R और 2R किस में है? पैरेलल। तो 1/2R प्लस 1/2R, 2/2R। उल्टा करोगे तो आर आ जाए।
वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू आर प्लस वन अपॉन टू आर इज इक्वल्स टू टू अपॉन टू आर, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आप ऐसे कर उसका कोई मतलब नहीं, वो मतलब वायर कनेक्ट नहीं है अंदर, वो पीछे साइड का सर्किट है, ये लिख लो, ये इस तरीके से करना है क्वेश्चन। हाँ तो वही टी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस से कर लो, बात कोई है तो मैं ऐसे रेशियो से नहीं बोल सकते, जब पोटेंशियल सेम है तभी तो बोलोगे कि पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। ब्रिज बैलेंस बात ठीक है कह सकते हो, बट वो भी कंडीशन है कि बीच वाले में से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अरे यार ये व्हीटस्टोन ब्रिज की नोट लिखने हैं दो, वो लिख लो इस नहीं बाद में लिख लेना, ये वाला डायग्राम अभी बना लिया क्या? नहीं बनाया तो पहले नोट लिख लो फिर बना लेना, या पहले बना लो फिर नोट लिख लेना, जैसा आपको ठीक लगे। नोट लिखवा दें पहले, बोले नोट लिखिए, नोट नंबर वन, इन दिस मेथड सॉरी दिस मेथड मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है, दिस मेथड रिमेन्स अनअफेक्टेड रिमेन्स अनअफेक्टेड by the internal resistance of the source, by the internal resistance of the source and the resistance of the galvanometer and the resistance of the galvanometer. नंबर टू, व्हीटस्टोन ब्रिज हैज हाई सेंसिटिविटी, हैज हाई सेंसिटिविटी हाई सेंसिटिविटी व्हेन resistors in the four arms when resistors in the four arms
ऑफ द ब्रिज, फोर आर्म्स ऑफ द ब्रिज आर ऑलमोस्ट सेम, आर ऑलमोस्ट सेम। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कितना ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, राइट? हाउ मच अ गैल्वेनोमीटर, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेंसिटिव टू योर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। वो कैसे पता पड़ेगा? अगर पी क्यू आर एस ऑलमोस्ट सेम है, इसका मतलब है कि आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो उतना ज्यादा क्या है, सेंसिटिव, राइट? तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ोगे उन सब की सेंसिटिविटी आपसे पूछी जाती है। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर हट गया, वरना हमेशा क्वेश्चन आता था व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ मीटर ब्रिज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। तो ये हट गया, तो ये तो है नहीं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक्स आएगा अगला चैप्टर, उसमें अपन पढ़ेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ एम मीटर, वोल्ट मीटर, राइट? यहां पे अपन देखेंगे। फाइन, सो दीज आर, अब ये डायग्राम देखो, बना लिया? हाँ, करंट की डायरेक्शंस आप बनाओगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हम बता दे। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा पेपर में। क्वेश्चन आ क्वेश्चन बोल रहे हैं, डिटरमाइन द equivalent resistance of the network, equivalent resistance of the network and the current along each edge, and the current along each edge when each resistor is of 1 ohm, each resistor is of 1 ohm, हर resistor कितने ohm का है? 1 ohm का। तुम्हारे लिए पता करना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है और इन सब आर्म्स में से करंट कितना जा रहा है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर बन जाएगा आपके, तो आगे की पूरी कहानी सिंपल है। देखो, इसमें से मान लो जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 3i, कितना जा रहा 3i, राइट? अगर i लोगे तो फिर वो फर्दर डिवाइड i बाय 3 में होगा, फिर i बाय 6 में होगा। इससे अच्छा जितना करंट जा रहा है उतना कितना ले लो, 3i ले लो, कितना ले लो, ये 3i इन तीनों में बढ़ जाएगा, कितना कितना i, i और i
इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि सबका रेसिस्टेंस क्या है, सेम होगा कि नहीं होगा। ये आई आगे जाके इस आर्म में और इस आर्म में डिवाइड होगा आई बाय टू, आई बाय टू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला करंट आगे जाके इसमें जाएगा, इसमें जाएगा आई बाय टू, आई बाय टू। ये वाला करंट आगे जाके इसमें जाएगा, इसमें जाएगा आई बाय टू, आई बाय टू। ठीक, ये आई बाय टू यहां से जा रहा है, ये आई बाय टू यहां से जा रहा है, दोनों मिलके इसमें जाएंगे कितना आई। कोई दिक्कत, ये आई बाय टू इसमें जा रहा, ये आई बाय टू इसमें जा रहा, इसमें जाए कितना आएगा आई। ठीक, ये आई बाय टू यहां से जा रहा है, ये आई बाय टू यहां से जा रहा है, तो इसमें भी कितना जाएगा आई। ये थ्री आई का करंट लिया था, इसमें से कितना आ गया थ्री आई आ गया। क्यों, कोई दिक्कत, तुम अपने हिसाब से कर लो, जितना दोगे उतना ही मिलेगा। मैंने थ्री आई दिया, थ्री आई को तीन में डिवाइड किया, आगे बढ़ाया, ये आई इन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, रेसिस्टेंस सेम है आई बाय टू और आई बाय टू। ये वाला आई इस आर्म में और इस आर्म में डिवाइड होगा आई बाय टू राइट, और ये वाला आई इस आर्म में और इस आर्म में डिवाइड होगा आई बाय टू। और आगे बढ़ो, यहां आई बाय टू और ये देखो आई बाय टू जा रहा, दोनों मिलकर इसमें कितना जाएगा आई। ये आई बाय टू और ये आई बाय टू जा रहा है, यहां पे भी कितना जाएगा आई, और ये आई बाय टू ये वाला और ये वाला जा रहा, तो इसमें कितना जाएगा आई, और तीनों आई मिलके इसमें से कितना जाएगा सुबह, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो मिल गया। अब एक काम करो, ए बी सी डी ई, लूप ए बी सी डी ई एफ ए मैं क्या लगा दू, किरचॉफ्स लॉ, क्या लगा दू किरचॉफ्स, तो किरचॉफ्स लॉ लगाओगे तो क्या मिलेगा इसे, तुम्हारे लिए आर इक्विवेलेंट पता करना है। आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है कि तुम्हें कितना टोटल करंट फ्लो हो रहा है इसमें से वो पता पड़ जाए, और टोटल क्या वोल्टेज है वो तो ऑलरेडी पता है 10 वोल्ट, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा V अपॉन I। तो अगर टोटल करंट इस सर्किट में है वो पता पड़ जाए, और टोटल वोल्टेज इस सर्किट का ऑलरेडी पता है, यू कैन कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट राइट। तो आपको टोटल वोल्टेज पता है 10 वोल्ट, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है आई की, तो आपको आर इक्विवेलेंट पता पड़ जाए, निकालो। हम कह रहे हैं इस वाले लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाओ, तो लगाओ क्या थ्री आई का कोई रेसिस्टेंस ए बी सी डी ई एफ ए में किरचॉफ्स लॉ लगाओ, घुमा लूप को ऐसा किसी भी एक रेजिस्टेंस से लेके ऐसा घुमा दो, सब पॉजिटिव में आएंगे, यहां पे आएगा आई आर, आओ आई मतलब आर, आई मतलब आर वन है, तो आई आर प्लस आई बाय टू आर प्लस आई आर इज इक्वल्स टू 10। क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव टर्म आ गया, गुड, बहुत सिंपल है क्वेश्चन।
आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 10 बाय मतलब 5 बाय 2 नहीं, आई आर इक्विवेलेंट आएगा 5 बाय 6 आर, मतलब 5 बाय 6 आएगा आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट तुम्हारा गलत आ रहा है, इसलिए गलत आ रहा है हम बता रहे हैं। फाइव बाय सिक्स आएगा, आप आई ले रहे हो, आर इक्विवेलेंट में थ्री आई लेना पड़ेगा क्योंकि आपके सर्किट में टोटल करंट कितना जा रहा है? थ्री आई, कितना जा रहा है? थ्री आई। तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे वी अपॉन आई करके, तो वी लोगे 10 वोल्ट और आई लोगे कितना? छ नहीं, थ्री आई, 12, 3 × 4 फाइव बाय सिक्स आएगा। जाओ इस वाले लूप में लगाओगे किरचॉफ्स लॉ, तो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक, तो हो जाएगा आई आर मतलब आई इंटू 1 प्लस आई बाय 2 इंटू 1 प्लस आई इंटू 1। तीनों करंट है, एक ये रेजिस्टर, एक ये रेजिस्टर, एक ये रेजिस्टर, और है क्या? नहीं। पूरा लूप घुमाओगे तो लूप के डायरेक्शन में बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल कर रही, मतलब ईएमएफ क्या लोगे? प्लस। तो इजी कॉस्ट ही लग दोगे 10, करो सॉल्व, लो एलसीएम, तो 2 + 1 + 2 5/2 आई इज इक्वल्स टू 10, आई इज इक्वल्स टू 20/5 4 एम्पीयर। तो आई आ गया राइट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू सर्किट का टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट और सर्किट में टोटल करंट आपने कितना लिया है? 3 आई। तो आप आई क्यों रख रहे हो, कितना रखोगे? 3 आई। सो इज इक्वल्स टू 3 आई 10/3 × 4 इज इक्वल्स टू 5/6 ओम। करें चाहिए या फिर चौक ने लगाया इस लूप में, तो ये लूप के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? तो लिख दो आई इंटू आर, लिख दो आई आर, ये भी लूप के डायरेक्शन में, तो आई बाय टू आर, ये भी लूप के डायरेक्शन, लूप ऐसे ही तो घूम रहा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? आई आर इज इक्वल्स टू समेशन आई आर इज इक्वल्स टू समेशन ई लिखते हैं ना, तो ई कितना है लूप के डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव 10 इज इक्वल्स टू 10। आर की वैल्यू 1 है, देखो ना ईच रेजिस्टर कितने ओम का है? 1 ओम का, तो सब 1 हो गए, तो आई प्लस आई बाई 2 प्लस आई कितना? 5/2 आई, एलसीएम लेके इज इक्वल्स टू 10 हो गया।